नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। गुड मॉर्निंग। और चौथे चरण का रण जिसके लिए आज बिसात बिस चुकी है और कई सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा 24 के महासमर में। बिल्कुल, 10 राज्य 93 सीटें। सुबह की पहली तस्वीर 7 बजे की न्यूज 24 सबसे पहले आपको दिखाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद है। तो 2024 के रण में 3 चरण पूरे हो चुके हैं और आज चौथा चरण है। आप जानते हैं आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान है और इन सीटों पर राजनीतिक दलों के 1717 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 17,70,00,000 वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चरण में 12.49 लाख मतदाताओं की उम्र 85 से ज्यादा है। और ये भी जान लीजिए कि इस चौथे चरण में कई दिग्गज भी सियासी मैदान में कूदे हुए हैं। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कई सियासी सुरमाओं की साख दांव पर लगी है। बदली हुई परिस्थितियों में यूपी के कन्नौज से अखिलेश यादव है, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, उनके खिलाफ इस बार जबरदस्त बैटिंग माधवी लता ने की है। बंगाल के कृष्णानगर से टीएमसी की महुआ मोइत्रा सांसदी गई थी लेकिन एक बार फिर दीदी ने मौका दिया। और चलिए बड़ी खबर सबसे पहले सुबह सुबह 7 बजे की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको सुबह सुबह बता दें, चौथे चरण का मतदान शुरुआत हो चुकी है। 7:02 इस वक्त 2 मिनट मतदान के गुजर चुके हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सियासी दिग्गज भी इस बार चुनावी मैदान में हैं और कुल मिलाकर के 1717 उम्मीदवार। यूपी इस लिहाज से भी खास हो जाता है, 13 सीटों पर इस बार उत्तर प्रदेश में इस एक फेज में चुनाव हो रहा है और ये 13 की 13 सीटें जो है पिछली बार बीजेपी ने 2019 में इस पर बाजी मारी थी। तो ऐसे में ये बेहद इंटरेस्टिंग हो रहा है। बिहार से लेकर के चाहे यूपी, चाहे आप हैदराबाद चले जाइए, हर जगह सियासी दिग्गज हैं और उनकी साख दांव पर। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की तमाम वीवीआईपी सीटों पर हमारी नजर रहेगी। और बिहार के बेगूसराय से आपको बता दें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, मुंगेर से जेडीयू के लल्लन सिंह चुनावी मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला आज होगा। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हर जगह पर हमारी नजर है। तो उत्तर प्रदेश में जो कि जैसा कि आशा ने बताया कि 2019 में बात करें, 2014 में बात करें, 2019 पिछली बार सभी की सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो इस बार समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है और ये बड़ी चुनौती भी है कि इस बार क्या फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी इस फेज में, या फिर इस बार समाजवादी पार्टी अपना रुख बदलेगी और जीत दर्ज करेगी, जैसा कि अखिलेश यादव लगातार कह भी रहे हैं। और इस फेज में एक और बड़ी बात हुई है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए विपनेश जी, वो ये कि अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं। मोराल जो है चौथे चरण के पहले विपक्ष का और हाई है। हाउस द जोश अगर पूछा जाए विपक्ष थे तो फिर वो हाई ही होगा। जबरदस्त तौर पर अरविंद केजरीवाल के तेवर हूं, चाहे अखिलेश यादव जो या फिर विपक्ष, पूरा विपक्ष एकजुट लाम बंद मोदी के खिलाफ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर ये है कि क्या इसका असर कितना व्यापक हो सकता है। एक तो अरविंद केजरीवाल भी कुछ गारंटियों की चर्चा कर रहे थे, 10 गारंटियां कुल मिलाकर के उन्होंने दी हैं। इसका क्या मन पर असर पड़ेगा मतदाताओं के, कितना रिझाने में कामयाब होंगी विपक्षी पार्टियां। बिहार का दंगल इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है इस बार, क्योंकि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल ही पहली बार ये हुआ है, इतिहास अपने आप में कल बना, जब प्रधानमंत्री के तौर पर कोई चेहरा पटना में रोड शो कर रहा हो, इस लिहाज से अपना नाम दर्ज करवा लिया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये इसके पीछे ये भी एक कारण है कि जैसा बदली हुई परिस्थितियों का जिक्र बार बार हो रहा है, 40 सीटों का दंगल बिहार में जरूर है, लेकिन क्या इन 40 सीटों पर इस बार चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद चुनावी समर में कूदना पड़ा और बिहार में प्रधानमंत्री को उतरकर वहां पर प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ा 2 किलोमीटर लंबा। और देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आज